Assalamu alaikum. How are you all, student? I hope you are studying at home, right? Okay, so today is 24 July and our subject is social studies. Our lecture would be the fourth one. And open your book, Social Studies for Class 5. Open your this book at page number 78. Open your page number 78. Alright? Page number 78. Today we are going to learn about unit number 3, which is about citizenship. And our subtopic is economics. That means ki today what we are going to do in citizenship is economics. हम economics के बारे में जो है वो आज study करेंगे. What is economics? How it runs? ठीक है? How it affects the country? किसके फायदे क्या हैं? नुकसान क्या है? Economy itself होती क्या है? ठीक है? ये सारी चीजें जो है वो हम study करेंगे citizenship के subtopic economics के अंदर. So today first we talk about the thing which is the most important thing. First let me tell you, open your page number 78. Your first heading is citizenship. Here is lesson number 9, economics. Okay, and it's we talk about what is money. First we talk about what the money is. Money kya hai? You have seen coins, you have seen paper notes. ठीक है, इस सबको क्या कहते हैं? बैंक नोट्स को हम जो है वो कहते हैं मनी. ऑल द कॉइन्स एंड द बैंक नोट विच वी यूज टू एक्सचेंज प्रोडक्ट, यानी जिसको हम एक्सचेंज करते हैं टू बाय समथिंग इज कॉल्ड मनी. कोई भी ऐसी चीज यानी जिसको हम इस्तेमाल कर रहे हैं किसी और चीज को खरीदने के लिए, दिस इज कॉल्ड मनी. ठीक है, सो वील टॉक अबाउट कि पहले जो है वो हमारे पास अभी करंटली वी हैव कॉइन्स, राइट? वी हैव बैंक नोट्स. हमारे पास आजकल कॉइन्स भी काम कर रहे हैं, हमारे पास बैंक नोट्स भी हैं. ठीक है, और इस तरह की चीजें जो है वो मनी के अंदर जो है वो काउंट होती हैं. तो हम इसको करते क्या है? हाउ वी एक्सचेंज एंड वी एक्सचेंज मनी एज वेल एंड वी वॉन्ट, इफ यू वॉन्ट टू बाय समथिंग तो भी हम क्या कर रहे होते हैं? हम इन्हीं चीजों की यानी कि कॉइन्स की या बैंक नोट्स को इस्तेमाल कर रहे होते हैं टू बाय वट एवर वी नीड, वट एवर यू वॉन्ट टू हैव इन आर लाइफ. फर्स्ट ऑफ ऑल थिंक अबाउट अ थिंग जो आज आपने सुबह से लेकर अब तक आपने कौन सी ऐसी चीजें जो है जो की हैं जो पैसे जिसमें इंक्लूड होते हैं. फॉर एग्जाम्पल आप मिसाल के तौर पे यू हैव ईटन योर ब्रेकफास्ट, राइट? आपने अभी तक ब्रेकफास्ट अपना कर लिया होगा, तो उस ब्रेकफास्ट में जितनी भी चीजें हैं वो कहां से आई हैं? ठीक है, यू हैड बाय ऑल द स्टफ, राइट? तो वो सारा जो बाय किया है वो किस तरह से किया है? थ्रू बैंक नोट्स किया है. हम जो भी करेंसी जो हम करंटली पाकिस्तान में इस्तेमाल कर रहे हैं वो बैंक नोट्स ही है ना. ठीक है, पेपर की फॉर्म में जो नोट्स होते हैं उससे आपने क्या किया? आप चाहे इट्स अबाउट, अगर आपने सुबह अंडा खाया वो भी पैसों से मिलेगा. ठीक है, अगर आपने सुबह को आटे यानी कि रोटी खाई है वो आटे से बनी, आटा कहाँ से आया वो आपने पैसों से खरीदा. ठीक है, फिर ऑयल है, फिर ऑल दैट स्टफ, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीजें आएंगी इफ यू हैव मनी, देन यू कैन बाय दैट स्टफ. ठीक है, तो उसके अलावा आप जो है आपके पास कोई और चीज नहीं है जिसकी वजह से आप चीजों को खरीद सके. सो मनी जो है दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. इससे क्या करते हैं हम? इससे हम चीजों को जो है वो खरीदते हैं. हम आजकल के दौर में हर चीज में इट्स यू नो वन वे और द अदर, आपको कोई चीज फ्री में नहीं मिलती है. यू हैव टू पे समथिंग टू गेट समथिंग. आपको कोई भी चीज जरूरत है देन व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू पे. इवन इफ यू आर गेटिंग द सर्विसेज देन यू हैव टू पे. ठीक है, अगर आप कोई सर्विस ले रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई काम कर रहा है, ठीक है, काम कर रहा है वो आपको सर्विस दे रहा है ना. बच्चा काम कर रहा है, बच्ची काम कर रही है, औरत काम कर रही है, कोई भी बंदा जो आपके घर में काम कर रहा है, सफाई करने वाला आता है, कपड़े धोने वाला आता है, वो सब आपको सर्विसेज देते हैं. लेकिन वो भी आपको सर्विस के एक्सचेंज में क्या देते हैं? वो आपका काम करते हैं और आपसे क्या लेते हैं? इन एक्सचेंज मनी लेते हैं. सो इट ऑलवेज इन्वॉल्व इन वन वे और अदर, यानी एक चीज में या दूसरी चीज में वन वे और अदर किसी भी तरीके से जो है वो मनी क्या होती है? इन्वॉल्व होती है. आइदर यू आर गेटिंग सर्विसेज, आइदर यू आर गेटिंग समथिंग टू ईट, आप क्लोथ बाय करते हो, इवन इफ यू आर हैविंग एसी एट योर होम, तो ये सभी क्या है? आप बिल्स पे कर रहे हो, आप टैक्सेस पे कर रहे हो. ये सारी चीजें क्या है कि आप पैसों के अलावा कोई भी चीज जो है वो काम नहीं कर सकते. मनी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू बाय समथिंग, टू हैव समथिंग,
एंड यू नो टू गेट समथिंग, ये सारी चीजें जो है वो उसके लिए वो क्या होगी, मनी हमें जो है वो चाहिए होती है. जी व्हाट यू वांट टू आस्क बेटा. ओके तो अभी फर्स्ट विल टॉक अबाउट, पहले तो हमने बात कर ली व्हाट द मनी इज, कि मनी एक्चुअल में है क्या. नाउ वी टॉक अबाउट दिस ग्राफ, दिस इज टेबल एट योर पेज नंबर 78. अब हम इसकी बात करेंगे. If you look at the first line, that is 9000 BCE. BCE का मतलब ये होता है before Christ. That means the era that is a stone age. ठीक है? अभी जो है 9000 साल पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 9000 साल पहले का जो era होगा, उसके लिए हमने क्या लिखते हैं? We have write it down like this, like 9000. BCE. ये BC क्या होगा, ये हम लिखते हैं बिफोर क्राइस्ट. दैट मींस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 9000 साल पहले की बात कर रही हूं मैं भी. ठीक है, तो वो क्या होगा, अर्ली मैन जो है वो बार्टर्स करता था. पहले के जो स्टोन एज के दौर में थे, तब ना तो बैंक नोट्स होते थे, ना कॉइन्स की किसी को समझ थी, ना ही पैसों का किसी को पता था. तो उस दौर में क्या करते थे, इफ यू वांट टू बाय समथिंग, उस दौर में भी लोग चीजें खरीदते थे, लेकिन चीजें कैसे खरीदते थे, बार्टर करते थे. बार्टर का मतलब होता है एक्सचेंज करते थे. क्या वो एक्सचेंज करते थे, कैटल्स. ठीक है, वो अपने जानवर एक्सचेंज करते थे, यानी किसी चीज को बाय करने. फॉर एग्जाम्पल दे हैव टू बाय आर यू नो बफलो, एक भैंस को उन्होंने खरीदना, तो वो क्या करते थे इन एक्सचेंज, वो उतनी ही उन्हें जो लगता था कि इसके पिछले बार यानी तीन बकरियों की इवज या चार बकरियों की इवज, वो चार बकरियां उसको देते थे और एक भैंस जो है वो खरीद लेते थे. दिस इज व्हाट हैपेंस इन द स्टोन एज. स्टोन एज का मतलब है कि जब लोगों को किसी चीज की समझ नहीं थी, लोगों को जुबान की भी समझ नहीं थी, उस दौर में लोग क्या करते थे, अपनी कोई चीज देते थे और उसके बदले में कोई और चीज जो है वो लेते थे, और वो उसी के अकॉर्डिंग जो उसको रेलिवेंट लगता था उसके अकॉर्डिंग जो है किया जाता था. ये जो चीज थी ये सबसे पहले कहां पर जो है वो देखी गई थी, इजिप्ट में. मिस्र में जो है वो सबसे पहले लोगों ने ये जो खरीदो फरोख्त है, एक चीज देके दूसरी चीज देने के जो खरीदो फरोख्त का जो तरीका था, ये मिस्र में सबसे पहले जो है वो इजाद किया गया था. नाउ विल टॉक अबाउट 1200 BC, यानी 1200 साल, यानी कि हजरत ईसा से जो है वो पैदा होने से पहले हमने बात की है 9000 साल पहले की. अब विल टॉक अबाउट 1200 BC, दैट मीन बिफोर क्राइस्ट. पेज नंबर 78, चैप्टर नंबर 9, इस लेसन नंबर 9, यूनिट 3. ओके, सो अगर जो उस दौर में क्या होता था, इन दिस एरियाज में क्या होता था, कोस्टल एरियाज होते थे इंडिया के इर्द-गिर्द, तो क्या करते थे, दे बाय स्टफ बाय सेलिंग देयर शेल्स. वो सीपियों को इकट्ठा कर लेते थे साहिल समंदर से, और उनके बदले में जो है वो लोगों को देकर कोई और चीज जो है वो खरीदते थे. और वो सीपियां लोग क्या करते थे, उसके हार बना लेते थे. ठीक है, उसकी डिफरेंट चीजें बना लेते थे, डेकोर की चीजें बना लेते थे, वो सारी चीजें करने के काम आती थी. इसीलिए लोग उसके बदले में जो है वो क्या करना शुरू हो गए, चीजों को खरीदना जो है उन्होंने शुरू कर दिया. देन वी टॉक अबाउट 1100 BC. ठीक है, 1100 का मतलब 1100 साल पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के. तो उसमें पीपल चाइना में क्या किया उन्होंने, ब्रॉन्ज पीस का मतलब एक मेटालिक का उन्होंने पीस जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर लिया, कि किसी भी चीज को खरीदने के लिए वो एक मेटालिक का पीस होता था, ब्रॉन्ज यानी कि तांबे का बना हुआ एक टुकड़ा होता था जिसको वो लोगों को देते थे, एंड देन दे बाय स्टफ विद इट. अब वो ब्रॉन्ज पीस जो है वो अब लेटेस्ट फॉर्म उसकी क्या है, जो हम कॉइन्स आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं उसकी जो है वो लेटेस्ट फॉर्म है, जिसको बाद में जो है वो वर्क के साथ साथ जो है वो कॉइन्स में बदल दिया गया. फिर विल टॉक अबाउट 806 BC, यानी कि जो है वो 806 यानी बिफोर क्राइस्ट से पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से पहले क्या किया था. चाइना इज द फर्स्ट कंट्री हु मेड पेपर. ठीक है, चाइना एक वो पहला मुल्क है जिसने सबसे पहले दुनिया में सबसे पहले जो है वो पेपर को बनाया था. पेपर मतलब कागज बनाया था, पहले उसने वो पेपर बनाया, उस पेपर को वो क्या करते थे, तो इसी वजह से सबसे पहला जो नोट जो था वो भी चाइना ने जो है किया था बनाया था. और उसके बाद 600 BC, यानी कि 600 हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के पैदा होने से 600 साल पहले क्या हुआ कि किंग जो थे उसने क्या किया, ऑफिशियल करेंसी जो है उसने मिंट की और उसको स्प्रेड किया अक्रॉस द मेडिटेरियन वर्ल्ड, यानी कि उसने
जो हमारे पास यानी कि एक खिता है हमारी दुनिया का, उसमें उसने मेडिटेरियन वर्ल्ड के अंदर उसने उसको पहुंचा दिया कि ये एक चीज है जिसके जरिए से आप जिन लोगों को ये पैसे देंगे और उसके बदले में कोई चीज देंगे। ये फर्स्ट जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था ऑलमोस्ट एक दुनिया के एक खिते के अंदर। देन वील टॉक अबाउट 1200 CE। नाउ वील टॉक अबाउट CE। CE मीन्स कॉमन एरा। ओके, दिस CE मीन्स कॉमन एरा। कॉमन एरा का मतलब ये है कि जब हमने ईयर सिस्टम जो है वो एस्टेब्लिश कर लिया था, दैट मीन्स कि जब से हम ये वाला सिस्टम एस्टेब्लिश कर लिया कि एक साल के अंदर कितने माह होते हैं, ठीक है, एक साल जो है वो किस तरह से होता है, उस एरा को हम क्या करेंगे, कॉमन एरा। जो आजकल जो हम सेंचुरीज को जिस तरह से डिस्कवर करते हैं वो सारी क्या होंगी, सी में आएगी, यानी कॉमन एरा। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें 2020 की, तो ये तो प्रेजेंट है, बट इफ वी टॉक अबाउट 2009, ठीक है, 2008 की बात करते हैं, 1997 की बात करते हैं, तो वो किसकी बात होगी, वो होगा कॉमन एरा, ठीक है, यानी आम जो हमारे पास एक एरा आ गया उसकी बात होगी। तो 1250 यानी कि 1250 जो है वो कॉमन एरा के अंदर क्या हुआ था, 1250 ईयर के अंदर जो है वो फ्लोरेंस जो है वो न्यू पार्ट एक्टिका, उसने क्या किया, गोल्ड को यानी कि जो है इस्तेमाल करना शुरू किया, गोल्ड के जो है उसने कॉइन्स बनाए फ्लोरेंस के, और उसको जो है वो चीजों के एक्सचेंज की जो है वो एक जरिया बना लिया, यानी कि जिसको भी कुछ खरीदना होता था वो एक गोल्ड कॉइन देता था और उसके बदले में जो है वो लेता था। अब इसको अगर हम आम वर्ड्स में जो है वो इस्तेमाल करें, जैसे हजूर सल्लम के दौर में होता था कि लोग अशर्फियां इस्तेमाल करते थे, ठीक है, किसी भी चीज को खरीदने के लिए, किसी भी चीज को जो है वो बाय करने के लिए वो अशर्फियां गोल्ड की होती थी, ठीक है, और उसके अलावा भी बहुत सारी यानी कि उसकी जो है वो फॉर्म्स है। फिर उसके बाद जो है वो आया 1219 CE यानी कि 1290 में जो है मार्को पोलो जो था वो वाहिद बंदर था जिसने यूरोप के अंदर क्या इंट्रोड्यूस किया, फर्स्ट बैंक नोट्स जो है उसने इंट्रोड्यूस करवाए, चाइना से वो पैसों को लेकर आया और उसने मार्को पोलो ने क्या किया यूरोप के अंदर आके लोगों को दे दिया कि ये एक चीज है जिसके जरिए से आप चीजें खरीद सकते हैं। फिर उसके बाद बात आ जाती है 1661 की जो कि यूरोपियन बैंक नोट जो है वो स्विट्जरलैंड में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन द वर्ल्ड स्विट्जरलैंड में पहला बैंक नोट जो है वो बनाया गया था, ठीक है, तब बैंक एस्टेब्लिश हो गए थे कॉमन एरा के अंदर, तो फिर पहला बैंक नोट जो है वो बनाया गया था स्विट्जरलैंड के अंदर 1661 में। फिर आ जाती है बात 1860 यानी 18वीं सदी की बात हो रही है, पहले बात हमने की है 12वीं सदी की, फिर हमने बात की है 16वीं सदी की, अब हम बात करें विल टॉक अबाउट 18th century यानी 1860 1860 के अंदर क्या हुआ था, बिजनेस बिगिन टू ट्रांसफर मनी वायर टेलीग्राम, टेलीग्राम के जरिए जो है वो लोगों ने एक दूसरे को पैसे जो है वो भेजना शुरू कर दिए थे, ठीक है, लोग पैसे भेजते थे, लोगों से चीजें खरीदते थे। चैप्टर नंबर बेटे आई हैव टोल्ड मेनी टाइम पेज नंबर 78 द यूनिट नंबर इज रिटन ओवर हियर, दिस इज द चैप्टर नेम सिटीजनशिप एंड द सब टॉपिक इज इकोनॉमिक्स। ओके, देन वी विल टॉक अबाउट 19th सेंचुरी जो कि हमारे यानी कि जो है वो अबाउट दाद का दौर, यानी कि जिसको कहते हैं बहुत करीब का दौर, जिसको हम जानते हैं जब पाकिस्तान भी बन गया था, ये 1950 की बात हो रही है कि उसमें क्या हुआ, फर्स्ट क्रेडिट कार्ड इज इश्यू, 1950 के अंदर पहला क्रेडिट कार्ड जो है वो दुनिया में इशू कर दिया गया था फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। उसके बाद 1967 के अंदर फर्स्ट ATM बना दिया गया था, ATM आज आपको पता है, आज आपको क्रेडिट कार्ड का पता है, आज आपको ATM कार्ड का पता है, आपको ATM मशीन का पता है, तो ATM मशीन जो है वो फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो 1967 में यानी कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो एस्टेब्लिश की गई थी। देन 1999 में क्या किया गया, यूरोपियन बैंक बिगिन टू ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग, आजकल जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान में ऑब्वियसली विद द पैसेज ऑफ टाइम इन आई, लेकिन यूरोप जी बेटे आवाज नहीं आ रही आपको बेटे, अभी भी नहीं आ रही, आपको आ रही, अभी सुनाई दे रहा मैं क्या कह रही हूँ। ओके, 1991 जो है वो 1999 यानी 1999 के अंदर व्हाट हैपेंड इज यूरोपियन बैंक्स बिगन टू ऑफरिंग मोबाइल बैंकिंग, उन्होंने मोबाइल बैंकिंग जो आजकल हम इस्तेमाल कर रहे हैं 1999 में फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम जो है वो एस्टेब्लिश की गई थी, लेकिन पाकिस्तान में क्योंकि प्राइवेट बैंकिंग जो है वो बहुत बाद में आई थी, इसी वजह से वो चीज जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो नहीं हो सकी थी। देन 2008 के अंदर जो है वो सी कॉमन एरा में क्या हुआ, कॉन्टेक्ट लेस पेमेंट कार्ड जो है वो यानी कि आप जो है वो थ्रू
यानी कि इंटरनेट यानी ऑनलाइन आप पैसे के ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, उसमें आपने किसी यानी कि हाथ का इस्तेमाल ही कुछ किया लेकिन आपने जो है वो पैसे ट्रांसफर कर दिए। 2009 के अंदर जो है वो बिटकॉइन जो है वो एक न्यू करेंसी है जो कि चाइना ने लॉन्च की है। आजकल करंटली जो है वो उसके ऊपर काम जारी है। अब इट्स नॉट दैट कॉमन, ठीक है, आजकल वो उतनी कॉमन नहीं है, बट पीपल नो अबाउट द बिटकॉइन जो कि फॉरवर्ड हमारे पास जो है वो करेंसी की यही एक टाइप जो है वो बचेगी। Then we'll talk about import and export. Import and export itself है क्या? Import कहते हैं किसको? दरामद, और क्या है? Export कहते हैं बरामद। यानी कि आपने बाहर क्या भेजा, ठीक है, आपने बाहर से क्या मंगवाया वो क्या होगा import, आपने बाहर क्या भेजा वो क्या होगा export होगा। So we'll talk about import and export mainly. Pakistan is one of the few countries, तो नहीं कह सकते, Pakistan is one of the countries जिसमें क्या होता है कि जिसमें हमारी जो इंपोर्ट्स हैं दैट इज लार्जर देन आवर एक्सपोर्ट। हमारी एक्सपोर्ट्स जो है वो कम है और हमारी इंपोर्ट्स जो है वो ज्यादा है। इफ यू टॉक अबाउट 2018, अगर हम 2018 की बात करते हैं, 79 पेज नंबर पे है ये, ठीक है, इफ यू टॉक अबाउट पाकिस्तान की इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात करते हैं 2018 के अंदर, व्हाट हैपेंस इज कि हमने 60.3 बिलियन, ठीक है, 60.3 बिलियन की हमने चीजें जो है वो पाकिस्तान में मंगवाई थी, बट इन रिटर्न हमने व्हाट हैपेंस इज कि हमने एक्सपोर्ट बाहर क्या किया, वी जस्ट हैव एक्सपोर्टेड 23.7 बिलियन, हमने सिर्फ 23.7 बिलियन की चीजें बनाकर जो है वो बाहर भेजी। सो दैट मींस कि हमारा जो इंपोर्ट है, जो हम बाहर से चीजें मंगवाते हैं अपनी अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए, वो बहुत ज्यादा है, और हमारी जो है वो लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए जो चीजें हम उन्हें फराहम करते हैं वो बहुत कम है। सो आजकल जो है वो थिंग्स क्या करती है, हम मटेरियल्स को जो है वो इंडस्ट्री के, अब इम्पोर्ट हम करते क्यों है, फॉर एग्जाम्पल वी नीड ऑयल टू रन फैक्ट्रीज, वी नीड ऑयल जो है टू रन मशीन्स, टू रन फैक्ट्रीज, टू रन आर ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ठीक है, हमें जो है बसें गाड़ियां हर चीज चलाने के लिए क्या चीज की जरूरत है, ऑयल। बट वी डोंट हैव एन इफिशियंट जो है वो, वी डोंट हैव इनफ रिजर्वॉयर्स टू यू नो यूज दैट ऑयल, हमारे पास तो रिजर्वॉयर है नहीं ऑयल की उतने ज्यादा कि हम अपनी सारी जरूरियात को पूरा करें। सो टू मीट दैट नीड व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू इम्पोर्ट अ लॉट ऑफ स्टफ, यानी कि हमें बाहर से मिडिल ईस्ट के एरियाज के जरिए से और साउथ यानी कि जो है वो हमारे पास हम क्या करते हैं यूरोप से, वेस्टर्न यानी कि यूनियन से, और उसके अलावा यूरोप, चाइना, इन सब से, जापान से, व्हाट वी डू इज हम उसे मशीनरी भी मंगवाते हैं, ठीक है, बिकॉज वी डोंट हैव इनफ सोर्सेज कि हम यहाँ पर हर चीज की जो है फैक्ट्री बना सके। फॉर एग्जाम्पल देर आर लॉट ऑफ कार्स ऑन द यू नो रोड्स, आप गाड़ियों को देखते हो, आपके बाबा आपको बताएंगे, इफ यू टॉक अबाउट योर फादर, तो वो क्या करेंगे आपको बताएंगे ये गाड़ी जो है वो जापान की बनी हुई है, ये गाड़ी जो है वो चाइना से आई है, ठीक है, तो उसमें क्या है वी हैव टू बाय द मशीनरी एंड वी हैव टू बाय द ऑयल एज वेल फ्रॉम द अदर कंट्रीज टू मीट आवर नीड, हमें अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है बाहर से चीजों को जो है वो मंगवाना पड़ता है। और इफ वी टॉक अबाउट कि हम बाहर भेजते क्या है, एज यू ऑल नो पाकिस्तान का जो मेन जो है वो इट्स एन एग्रीकल्चर जो है वो कंट्री है, तो हम क्या करते हैं हम ज्यादातर अपनी सारी चीजों को जो है वो क्या करते हैं बाहर भेजते हैं, उनमें क्या है हमारे पास कॉटन है, राइस है, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो व्हीकल्स हैं, केमिकल्स हैं, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं ये हम बाहर करते हैं। सो इफ यू लुक एट योर हमारे पास जो है वो बहुत अच्छी जो है वो तरह का जो है वो लेदर भी होता है, ठीक है, वी डू हैव अदर स्टफ एज वेल, तो उन सारी चीजों को हम बाहर भेजते हैं। जैसे आजकल हम देखते हैं कि हमारे पास हर चीज का जो है वो बहुत सारी चीजें जो बाहर भेजी जा रही है, बहुत सारी जो है वो मंगवाई जा रही है, लेकिन इन शॉर्ट ये कि 2018 के अंदर सबसे ज्यादा जो हमने बाहर से चीजें मंगवाई हैं दैट इज कॉल्ड वो क्या कहलाएगी, वो इंपोर्ट कहलाएगी। और हमने इंपोर्ट कितने की है 60.3 बिलियन की, और हमने एक्सपोर्ट कितने की है 23.7 बिलियन की, हमने जो है वो चीजें बाहर भेजी है। सो इफ यू लुक एट दिस ग्राफ ऑन पेज नंबर 79, अगर आप 79 के पेज पे ये ग्राफ देखते हैं तो दे हैव शोन पाकिस्तान की इंपोर्ट उन्होंने किससे की है ब्लू कलर से, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट किससे की है उन्होंने रेड कलर से। तो इंपोर्ट का मतलब ये कि वो चीजें जो हम बाहर से मंगवाते हैं वो हमारे पास कौन कौन सी आ जाती हैं, देखो ऑयल्स एंड अदर जो मिनरल फ्यूल्स, हमने ऑयल्स बाहर से मंगवाया, मिनरल फ्यूल बाहर से मंगवाया, ये क्यों मंगवाया क्योंकि हमारे पास इतनी रिजर्वॉयर्स नहीं है कि हम ऑयल को जब जमीन से निकाल लें, और हमारे पास उतनी चीजें नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से हमें जो ऑयल जो है वो अपनी चीजों को पूरा करने के लिए रन करने के लिए हमें ऑयल की जरूरत है, तो हमने कहां से मंगवाया बाहर से मंगवाया। फिर उसके बाद है हमारे पास कॉटन,
कॉटन एक वही चीज है जो हम बाहर यानी कि जो है वो ज्यादा भेजते हैं और वहां से इंपोर्ट जो है वो कम करते हैं। अब इंपोर्ट कॉटन क्यों करते हैं? देर आर सेवरल यू नो टेक्सचर है कॉटन के, ठीक है, आप जितना भी फैब्रिक पहनते हैं उसमें बहुत सारी किस्में हैं, तो फैब्रिक की जो है वो किस्में उसमें से कुछ ऐसी है जो पाकिस्तान में ऑलरेडी अवेलेबल है, हम बहुत सारी टाइप की बाई भेजते हैं, बट देर आर फ्यू टाइप जो पाकिस्तान में नहीं बनाई जा सकती, यानी पाकिस्तान में उस किस्म की कॉटन नहीं बनती, तो क्या वो हम करते हैं, वो हम बाहर से मंगवा लेते हैं जो चीज हमें यहाँ पर कम पड़ती है। तो हमारे पास कॉटन जो है वो हम बाहर भेजते भी हैं लेकिन ज्यादा तादाद में बाहर भेजते हैं, एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं कंपैरेटिवली इंपोर्ट की। देन वी विल टॉक अबाउट इलेक्ट्रिक मशीनरी, हम एक्सपोर्ट करते हैं, बहुत सारी इलेक्ट्रिक मशीनरी ऐसी है जो हम पाकिस्तान में बनती है और जो है वो उसको बाहर भेजा जाता है। देन वी हैव व्हीकल्स, उसके बाद हम व्हीकल्स को बाहर भेजते हैं, ठीक है, चीजों को बनाते हैं, ठीक है, व्हीकल्स आप कहते हैं जो गाड़ियां ट्रांसपोर्ट की चीजें होती हैं। फिर उसके बाद केमिकल्स, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो सिर्फ पाकिस्तान में मिलते हैं, हम पाकिस्तान में बनाते हैं, देन वी क्या करते हैं उसको बाद में एक्सपोर्ट कर देते हैं। एनिमल वेजिटेबल फैट्स ऑयल वैक्सेस, ये ऑयल्स के लिए पाकिस्तान जो है वो रिच है, उसकी रीजन क्या है, वी हैव अ लॉट ऑफ क्रॉप्स ओवर हियर, ठीक है, हमारे पास वेजिटेबल्स भी बहुत ज्यादा है, हमारे पास क्रॉप्स भी बहुत ज्यादा है, इसलिए हमारा जो वेदर है फेवरेबल है, जिसकी वजह से हमारी आधी से ज्यादा इकोनॉमी जो है वो बेस किसके ऊपर करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर, तो इसी वजह से हम ये सारी चीजें जो है वो बाहर जो है एक्सपोर्ट करते हैं। ऑयल्स को करते हैं एक्सपोर्ट, हम बीज बाहर भेजते हैं, ठीक है, वी सेंड द सीन्स टू द अदर कंट्रीज, उसके बाद हम जो है वो मशीनरी, इंक, कंप्यूटर, प्लास्टिक, आयरन, स्टील, ये सब हम क्या कर रहे होते हैं बाहर, यानी कि जो है सॉरी ये सब हम क्या कर रहे होते हैं इंपोर्ट कर रहे होते हैं, यानी कि हम बाहर से मंगवा रहे होते हैं। जब आती है बाद हमारे पास यानी कि क्लोदिंग एक्सेसरीज की, हम क्या करें एक्सपोर्ट करें, हम पहनने के लिए जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा तादाद में जो है बाहर भेजा जाती है, उसकी रीजन ये है, इफ यू लुक एट दिस फर्स्ट बार ग्राफ तो आपको पता है कि कॉटन हम बाहर भेज रहे हैं, ठीक है, तो दैट मीन्स कि हम यहाँ पर क्लोथिंग जो एक्सेसरीज है सबसे ज्यादा हम बाहर भेज सकते हैं, हमारी ज्यादा जो एक्सेसरीज कहाँ से आएंगी, यानी कि हमने यहाँ पाकिस्तान में बनाई फैक्ट्रीज के अंदर और फिर उसको बाहर भेज दिया जरे मुबादला कमाने के लिए। देन हमारे पास क्या है, सीरियल्स है, हमारे पास क्रॉप्स में क्या आती है, हमारे पास वीट है, ठीक है, बार्ले है, ठीक है, इस तरह की सारी मेज है, ये सारी कॉर्न है, ये सारी चीजें क्या करती है हम इसको बाहर यानी कि भेजते हैं उसको प्रोसेस करके, सीरियल्स कहते हैं प्रोसेस को, ठीक है, प्रोसेस फूड को हम जो है वो बाहर भेज देते हैं। देन वी हैव अ टेक्सटाइल, इंक, वॉल जो है वो क्लोथ ऑर्डर, उसके बाद हम क्या करते हैं बहुत सारे टेक्सटाइल, हमारे पास टेक्सटाइल इंडस्ट्री बहुत स्ट्रांग है तो हम क्या करते हैं बाहर जो है वो इसको करते हैं एक्सपोर्ट करते हैं। फिर हमारे पास शुगर और स्वीट, शुगर और यानी कि चीनी को भी हम बाहर भेजते हैं, हम अपनी जरूरत की सारी चीनी यहाँ पर पैदा कर लेते हैं और हमें मजीद जो है वो बाहर भेजने के भी काम आ जाती है। देन वी हैव अ लेदर, पाकिस्तान में बहुत सारा लेदर जो है बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता है, इसलिए क्या करते हैं हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं। फिर उसके बाद सॉल्ट, सल्फर, एज यू नो पाकिस्तान में वर्ल्ड बेस्ट जो है वो माइन है, ठीक है, तो और हम क्या करते हैं उस माइन से जितना भी जो जेहलम के पास बाकी है, ठीक है, जिसको हम खेड़ा जो है वो माइन बोलते हैं, उस माइन से हम क्या करते हैं हम सॉल्ट को भी बाहर जो है वो इम्पोर्ट करते हैं। देन ऑल अदर कंबाइंड और बाकी जो चीजें हैं वो सारी कंबाइंड, यानी कि हम चीजें बाहर से मंगवा भी रहे हैं और बाहर भेज भी रहे हैं। तो ब्लू वाला जो सेक्शन है वो शो क्या करता है, दैट शोज दैट वी आर यू नो एक्सेप्टिंग थिंग्स जो हम बाहर से मंगवाते हैं टू मीट आवर नीड्स, अपनी जरूरियात को पूरी करने के लिए, और देर आर स्टफ जो कि हम बाहर भेजते हैं जिसको हम कहते हैं एक्सपोर्ट, और वो सब क्या आपको करेगा रेड से शो करेगा, उसमें हमारे पास वो सारी चीजें जो पाकिस्तान बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी में बनाता है वो हम बाहर भेज देते हैं। सो इफ यू टॉक अबाउट पेज नंबर 80 के ऊपर अगर आप आते हैं तो देर इज अ बार ग्राफ, ठीक है, सॉरी बार ग्राफ हमने पहले पढ़ा, देर इज अ पाई चार्ट, ये पाई चार्ट है, ठीक है, इट शोज के हम पाकिस्तान के जो है वो सबसे ज्यादा यानी कि जो है वो ये परसेंटेज दिखाई दिए 73.7%, ठीक है, तो अभी ये क्या किया हमारी 73 यानी कि हम मेनली ऑस्ट्रेलिया से सबसे ज्यादा चीजें जो है वो पाकिस्तान में मंगवाते हैं, ठीक है, और उसके बाद है लेटिन अमेरिका जिसमें नॉर्थ मैक्सिको, लेटिन अमेरिका से हम बहुत सारी चीजें मंगवाते हैं, देन अफ्रीका, और हमारी 6% जो है वो अफ्रीका से आती है, और जो है वो एशिया से यानी कि एशिया में जितने भी कंट्रीज आते हैं उनसे बहुत कम चीजें जो है वो लेते हैं, तो वो क्या है वो रेड है 0.7%, यूरोप जो है वो हमारे पास ऑरेंज है 1.2%, और उसके बाद हमारे पास क्या है नॉर्थ अमेरिका, उससे हम कितना मंगवाते हैं यानी कि येलो 5.3%। सो मेनली हम जो बाहर से चीजें मंगवाते हैं वो दो कंट्रीज हैं जिनसे मंगवाते हैं, नंबर वन इज ऑस्ट्रेलिया जिनसे हम 73.7%, एंड पेज नंबर इज 80 जी बेटा, व्हाट यू वांट टू आस्क, सॉरी क्या कहना चाह रहे हो आप, पेज नंबर 80 है, ठीक है,
पेज नंबर 80 80, ठीक है, पेज नंबर 80, पेज नंबर 80, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट दिस पाई चार्ट, ठीक है, कि हम बाहर से इंपोर्ट कहां से करते हैं, मेनली वी आर इंपोर्टिंग थिंग्स फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा चीजें मंगवा रहे हैं, एंड देन वी आर मेनली जो है वो हम किससे मंगवा रहे हैं, लेटिन अमेरिका से जो है वो सबसे ज्यादा इंपोर्ट कर रहे हैं, बट वी लुक एट द पाई चार्ट ऑफ एक्सपोर्ट, हम एक्सपोर्ट का पाई चार्ट देखते हैं, सो व्हाट यू आर गोना सी इज कि हमारे पास जो है वो ओशिनिया यानी कि मेनली ऑस्ट्रेलिया में हम क्या करते हैं 37.6% जो है वो हम ऑस्ट्रेलिया के अंदर चीजें भेज रहे हैं, ठीक है, अगर हम उनसे मंगवा कितनी रहे हैं 73.7% और वहां भेज कितनी रहे 37.6%। ओके, उसके बाद ये है कि हमारे पास जो है लेटिन अमेरिका को हम क्या करें, हम वहां से मंगवा रहे हैं 11.9% और वहां भेज कितना रहे 35.1% जो है वो हम अमेरिका के अंदर चीजों को क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं, यानी कि हम वहां पर भेज रहे हैं उनकी जरूरियात को पूरी करने के लिए। देन वी हैव अफ्रीका, अफ्रीका में हम 17.6%, सो मेनली हमारी कंट्री पाकिस्तान जो है डिपेंड करता है इसकी एक्सपोर्ट किसके ऊपर, तीन कंट्रीज के ऊपर, वी आर टॉकिंग अबाउट ऑस्ट्रेलिया, हम ऑस्ट्रेलिया में एक्सपोर्ट कितने परसेंट करते हैं 37.6%, एंड इफ वी टॉक अबाउट जो है लेटिन अमेरिका 35.1%, एंड इफ वी टॉक अबाउट अफ्रीका तो 17.6%, और बाकी जो है वो हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, यूरोप और एशिया जो है वो बहुत ज्यादा मिनिमम क्वांटिटी में, यानी कि यहां पर से हम चीजें बहुत कम जो है वो भेजते हैं। सो अब हम विल टॉक अबाउट द कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, विल टॉक अबाउट द स्टफ कंट्रीज एंड देयर करेंसीज, कंट्रीज और करेंसीज की बात करेंगे तो हमारे पास क्या है, वी हैव डिफरेंट, हर मुल्क की जो है करेंसी जो है फर्क है, क्यों हर एक का जो है वो चीजों को लेन देन करने का जो है वो तरीका फर्क है, उनकी इकोनॉमी जितनी स्ट्रांग होगी उतनी स्ट्रांग उनकी जो है वो करेंसी होगी। तो पहले फॉर थ्रू आउट द वर्ल्ड विच करेंसी इज एक्सेप्टेबल, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा एक्सेप्टेबल करेंसी है वो कौन सी है, दैट इज यूएस डॉलर्स, ठीक है, यूएस डॉलर सबसे ज्यादा यानी कि जो है वो इस्तेमाल की जाने वाली करेंसी है जो पूरी दुनिया में हर मुल्क जो है एक्सेप्ट कर लेता है। इफ यू वांट टू एक्सचेंज समथिंग, अगर आपने एक्सपोर्ट करनी है या इंपोर्ट करनी है, यू वांट टू बाय समथिंग और यू आर सेंडिंग दैट मनी, तो आपके लिए सबसे मनी एक्सचेंज का सबसे बेहतरीन जो है वो जो हर कंट्री एक्सेप्ट करता है दैट इज यूएस डॉलर जो है वो सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट एक्सचेंज करने के लिए जो मनी इस्तेमाल होती है। हियर आर सर्टेन कंट्रीज जो क्या करते हैं जिनके डिफरेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लिए क्या होगा, डॉलर हम यूज करते हैं। अगर हम चाइना की बात कर रहे हैं तो चाइना में क्या होता है, युआन इस्तेमाल करते हैं। इफ वी टॉक अबाउट जापान, सॉरी तुर्की की बात करते हैं तो लीरा इस्तेमाल करते हैं, और देयर आर 19 to 18 कंट्रीज जो है यूनियन मेंबर्स ऑफ कंट्रीज, उसके लिए हम क्या करते हैं यूरो इस्तेमाल करते हैं, सऊदी अरब जो है रियाल इस्तेमाल करते हैं। ये सब कंट्रीज हैं जो जिनकी डिफरेंट डिफरेंट क्या है करेंसीज जो है वो जिसको हम इस्तेमाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ चीजों के लिए, यानी कि उनके लिए अगर बाय करनी होगी तो उनके हर एक का जो है वो रेट जो है करेंसी का फर्क होगा, जितनी स्ट्रांग जो है वो मुल्क होगा उतनी स्ट्रांग उसकी जो है वो करेंसी होगी, यानी कि उसकी जो है वो करेंसी की ज्यादा जो है वो रेट उसका अप होगा। द रोल ऑफ, अब विल टॉक अबाउट व्हाट द रोल ऑफ बैंक एंड इट्स बेनिफिट, हम किसकी बात करेंगे बैंक की और उसके बेनिफिट्स की जो है वो बात करेंगे। वेयर डू वी कीप आवर मनी, हम अपनी मनी जो है वो कहाँ रखेंगे, ठीक है, इफ वी टॉक अबाउट रोल ऑफ द बैंक एंड इट्स बेनिफिट, तो हम क्या किसकी बात करें कि हम अपनी मनी जो है वो कहाँ सेव करें, ठीक है, एंड बिजनेस हैव मैनी पीपल एंड बैंक, बहुत सारे दुनिया में अब लोग हैं जिनके बैंक अकाउंट्स हैं, ऑलमोस्ट एवरीबडी हैज अ बैंक अकाउंट, इफ इट्स स्टूडेंट, इफ इट्स अ टीचर, इफ इट्स अ प्रिंसिपल, और इफ इट्स अ यू नो बिजनेसमैन, और इट्स अ हाउसवाइफ, एवरीबडी हैज अ बैंक अकाउंट। व्हाई वी नीड अ बैंक अकाउंट, बिकॉज वी नीड टू डू अ लॉट ऑफ स्टफ, हम घर पे इतनी सारी जो है वो मनी नहीं रख सकते, तो उसके लिए हमें जो है जरूरत होती है बैंक अकाउंट्स की, उसमें हमारी मनी जो होती है सेव रहती है। सो बैंक प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन सपोर्टिंग इंडिविजुअल एंड बिजनेस, तो बैंक क्या करता है ये मनी को ट्रांसफर करता है एक सिटी से दूसरी सिटी, नंबर वन, देन वो क्या करता है कि हमारे लिए यानी कि जो है वो बहुत ज्यादा यानी कि मनी को रखना जो है वो आसान हो जाता है, और ये बहुत सारे इंडिविजुअल्स को सपोर्ट भी कर रहा होता है, ठीक है। बैंक से आपको पता है यू कैन गेट अ लोन फ्रॉम द बैंक, तो उससे क्या होता है कि आप बहुत जल्दी अपना बिजनेस जो है वो एस्टेब्लिश कर सकते हैं, पैसे ले रहे हैं बैंक से, यू हैव टू डू विद, आप थोड़े से इंटरेस्ट के साथ उसको क्या कर रहे होते हैं, उसको वापस कर रहे होते हैं इंस्टॉलमेंट्स में। सम ऑफ द बेनिफिट्स ऑफ द बैंकिंग आर एज फॉलोस, हमारे पास बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल, अगर हम बात करते हैं पेज नंबर 81 के, आम आदमी को क्या फायदा है इसका, फर्स्ट क्या है कि इसकी मनी जो है वो सेव रहती है फ्रॉम फायर, फ्रॉम थेफ्ट, ठीक है, आग से महफूज है, चोरी से महफूज है,
एंड उससे क्या है, और उसके बाद कोई और खतरा भी जो है वो नहीं है. फिर उसके बाद मनी कैन बी ट्रांसफर्ड इजिली फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर. आप एक जगह से दूसरी जगह मनी भेजने के लिए आपको जाना नहीं पड़ता, ठीक है. इफ यू नीड टू सेंड मनी टू योर ब्रदर एट इन लाहौर, तो आप क्या करोगे, आप यहां से मनी ट्रांसफर करोगे लाहौर में, उसको मिल जाएगी, ठीक है. सो यू डोंट हैव टू पैनिक एंड आपको उसके लिए जाना नहीं पड़ेगा, आपको बड़े आराम से जो है ट्रांसफर होगी. इट इज पॉसिबल टू पे मनी एंड सेव फॉर फ्यूचर. इसके लिए क्या है कि आप पैसे जो है बैंक के अंदर जमा कराते जाओ, तो उससे क्या होगा, आपके पास वहां पे पैसे जमा होते रहेंगे और उस सेविंग को आप बाद में कभी जब जरूरत पड़े तो उस पर इस्तेमाल कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू गो ऑन अ ट्रिप, अगर आप किसी ट्रिप पे जाना चाहते हो तो व्हाट यू डू इज कि आप पैसा इस तरह अपनी जो है वो सैलरी में से, अपनी पॉकेट मनी से थोड़े थोड़े पैसे रखना शुरू करते हैं, और इन द एंड आपके पास क्या आ जाता है, आपके पास एक बड़ी अमाउंट जो है वो सेव हो जाती है. और उसके बाद क्या होगी, देन देयर इज अ यू नो इट्स पॉसिबल टू बोरो मनी. और बाजू का जब आप बैंक में ज्यादा मनी जो है सेव कर लेते हैं तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट भी जो है मिलता है. अब मनी जो है वो आप बोरो करते हो बैंक से, वो क्या होती है, फॉर एग्जांपल अगर आपने कोई लार्ज जो है कोई बड़ा प्लान बनाना है, कोई बड़ा बिजनेस ओपन करने जा रहे हो, सो व्हाट यू नीड, फर्स्ट यू नीड इज मनी, ठीक है. उसके लिए व्हाट यू डू इज यू अप्लाई इन अ बैंक फॉर अ लोन और आपको लोन दे देते हैं, तो आप क्या करते हो, आप बिजनेस जो एस्टेब्लिश कर लेते हो और थोड़े से इंटरेस्ट के साथ आप क्या करते हो, यू पे बैक दैट मनी इन द फॉर्म ऑफ इंस्टॉलमेंट. आप इंस्टॉलमेंट के फॉर्म में उसको जो है मनी जो है वो वापस करना सेंड कर देते हो. बेनिफिट्स ऑफ बिजनेस के लिए लिहाज से क्या बेनिफिट है, फर्स्ट सेम बेनिफिट है जो एक आम आदमी को, आपकी मनी सेफ रहती है, चाहे वो आग है, चाहे वो डेंजर है, चाहे वो थेफ्ट है, एनी काइंड ऑफ जो है प्रॉब्लम या कोई भी इशू होगा, उसके लिए आपके पैसे जो है वो सेफ रहे. सेकेंड केस, इज पॉसिबल फॉर अ बिजनेस टू श्योरली मेक जो है वो आप उसके लिए क्या करते हैं, लार्ज पेमेंट्स आपके लिए करना मुश्किल नहीं होता, मतलब आपके बैंक में पैसे हैं, यू डोंट हैव टू कैरी अ लॉट ऑफ मनी विद योर सेल्फ, तो उससे क्या होगा कि आप एक जगह से दूसरी जगह आराम से अपनी पेमेंट जो है वो कर सकते हैं. थर्ड क्या है आपके पास कि आप लोन ले सकते हैं, जैसे एक आम आदमी ले सकते हैं, आपको बिजनेस को बढ़ाना है, बिजनेस को बड़ा करना है, उसके लिए आप क्या करोगे, लोन ले लोगे. फिर इसके बाद है बैंक्स जो है वो इंटरनेशनल जो है वो बिजनेस को भी जो है वो कनेक्ट करते हैं लोकल बिजनेस के साथ. फॉर एग्जाम्पल बाहर की, जैसे अब आप ऑनलाइन बिजनेस का आपको बहुत ज्यादा पता है, एवरीबडी नोज अबाउट ऑनलाइन बिजनेस, के हर बंदे का जो है वो एक पेज है, वहां से आपने चीज को पसंद किया, देन वो चाहे वो ऑस्ट्रेलिया में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो अफ्रीका में है, चाहे वो किसी भी कंट्री में है, व्हाट यू डू इज आप ऑनलाइन उसकी पेमेंट करते हैं और वो चीज आपको जो है वो मिल जाती है. तो ये क्या करती है, ये कोई लोकल बंदा भी बना रहा है, किसी गाँव में भी चीज बना रहा है, तो वो बाहर बेच सकता है, ठीक है. तो ये एक आम यानी कि जो है वो बिजनेस के तौर पर बहुत ज्यादा अहम चीज है. अब उसके बाद क्या है, हमारा जो है वो रोल फेडरल गवर्नमेंट का जो है वो क्या होता है, पाकिस्तान के अंदर देयर इज अ सिस्टम जिसको हम कहते हैं एफबीआर. एफबीआर किसको कहते हैं, फेडरल जो है वो फेडरल ब्यूरो, ओके, एफबीआर जो है वो उसको जो है वो हमारे अंदर मेन जो है वो रोल प्ले करता है, और उसके लिए उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो क्या होती है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो इकोनॉमी को जो है वो एस्टेब्लिश जो है वो कर सके. और उसके बाद जो है वो फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के नाम से यानी कि जो एफबीआर को जो है वो जाना जाता है. और एफबीआर इटसेल्फ क्या करता है, इट कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द पीपल, लोगों से टैक्स जो है वो कलेक्ट करता है, एंड देन इट यू नो उसको पाकिस्तान की बेनिफिट्स के लिए, पाकिस्तान को मजीद बेहतर बनाने के लिए, टू यू नो इनहेंस आवर कंट्री, हम उन टैक्सेस को जो है वो इस्तेमाल करते हैं. और उस टैक्सेस को जो है वो कलेक्ट किससे करते हैं, फॉर एग्जाम्पल एफबीआर जो है वो कलेक्ट किससे करता है टैक्सेस, एफबीआर यानी टैक्स हम किसके ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, ऑल द हाउसेस, ठीक है, सारे हाउसेस. If a person is earning good enough, अगर एक बंदे की जो सैलरी जो है वो बहुत ज्यादा अच्छी है तो उस पर भी टैक्स होगा, ठीक है. If a person has a, you know, a lot of vehicles running in the, you know, business है उसका, तो उसके लिए भी एक टैक्स होगा. So you have to pay the tax. तो उस टैक्स को जो हम पे करते हैं वो हमारा जाया नहीं जाता, बल्कि वो उन लोगों पे लगता है जिस चीज को सबसे ज्यादा जरूरत होती है. और इसमें क्या है, इसमें हमारे पास फेडरल प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो अलग अलग है, हर प्रोविंस की एक अलग गवर्नमेंट है, और उसमें हर का जो है वो, बट द फेडरल गवर्नमेंट एफबीआर जो है वो रिमेन सेम, सबके लिए सेम ही रहेगा, चाहे वो प्रोविजनल लेवल पे. और गवर्नमेंट क्या करेगी, लोन्स लेगी फ्रॉम इंटरनेशनल्स, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री. फॉर एग्जाम्पल हम जो है वो वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन लेते हैं, ठीक है, तो उस लोन को क्या करते हैं, हम उस लोन को लेते हैं और पाकिस्तान के बेनिफिट के लिए यानी पाकिस्तान को बेहतर बनाने के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर फैक्ट्रीज एस्टैब्लिश कर सकते हैं, यहाँ पर बिजनेस को बेहतर बना सकते हैं, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसको लिए हमें पैसों की जरूरत है. सो व्हाट वी डू इज हमने बैंक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट से यानी कि जो है वो लोन लिया और उसको क्या किया, पाकिस्तान में यूटिलाइज किया पाकिस्तान की बेहतरी के लिए. बट वी हैव टू पे बैक ऑल दैट थिंग, क्योंकि हमने जितने भी एक्सपेंडिचर जो गवर्नमेंट करती है वो क्या करती है, वो लोन लेके भी करती है और वो एफबीआर के जो हमने टैक्सेस पे किए होते हैं उससे भी जो है वो करी होती है, टू मेक आवर कंट्री मच बेटर. फेडरल गवर्नमेंट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर द इकोनॉमिक वेल बींग ऑफ द सिटीजन एंड सेफ्टी फॉर द बिलोंगिंग्स. फेडरल गवर्नमेंट ऑल्सो क्या करेगी, वो बिलोंगिंग्स को भी जो है यानी कि लोन की जो चीजें होती है उसको
भी जो है वो सेव करने के लिए भी एक जरूरी चीज है। और आपके पास क्या है, यानी इफ यू टॉक अबाउट योर फोन, अब आप हर फोन के ऊपर टैक्स है, ठीक है, अब हर जो है व्हीकल के ऊपर टैक्स है, हर घर के ऊपर टैक्स है, एवरी बिजनेस हैज अ टैक्स, एवरी पर्सन हु इज यू नो अर्निंग मनी उसके ऊपर भी जो है टैक्स है। तो हर ये बंदा जो टैक्स पे कर रहा होता है वो क्या कर रहा होता है, हमारी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वो उस टैक्स को इस्तेमाल किया जा रहा होता है, और हमारे ही बेनिफिट्स के लिए वो लोग जो यानी कि जिनकी जरूरत है उसके लिए जो है वो लगाया जा रहा है। अब क्या द रोल ऑफ स्टेट बैंक, स्टेट बैंक का जो है वो रोल पाकिस्तान के अंदर जो है वो क्या है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान SBP के नाम से जिसको हम जानते हैं, ठीक है, ये हमारे मुल्क का पहला वो बैंक है जो कि फर्स्ट बना था 1 जुलाई 1948। वी गॉट फ्रीडम इन 1947 में हमने आजादी हासिल कर ली, देन द बैंक फर्स्ट एस्टेब्लिश बाय द स्टेट। इसको स्टेट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे मुल्क का यानी कि जो है वो पहला जो है वो गवर्नमेंट बैंक है, तो इसको यानी कि इसका जो पहला फैक्टर क्या था कि 1 जुलाई 1948 के अंदर फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इसको एस्टैब्लिश कर दिया गया था। और अब इसका काम क्या था, द जॉब ऑफ SBP इज टू डेवलप थ्रू बैंकिंग सिस्टम, एक तो एक बैंकिंग सिस्टम बनाने का था, दूसरा क्या है कि हमारी यानी कि जो है वो कंट्री को हेल्प आउट करने का था कि किस तरह किस पॉलिसी के तहत किस चीज के तहत जो है वो हम अपने मुल्क को बेहतर बना सकते हैं, क्योंकि 1947 में यानी कि हम दुनिया के नक्शे पे फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एज अ कंट्री आए, ठीक है, 1948 में हमारा बैंक बना ताकि अब हमारी इकोनॉमी को जो है वो स्ट्रॉन्ग किया जा सके, हमारी चीजों को बेहतर बना सके। अब स्टेट बैंक के रोल क्या है, करता क्या क्या है, हमें करेंसी इश्यू करता है, ठीक है, ऑल द बैंक नोट्स जो कि हमारे पाकिस्तान रुपीज जो है जितने भी बनते हैं वो स्टेट बैंक बनाता है, इसके अलावा कोई जो है वो बैंक नहीं बना सकता, ठीक है, ये इशू करता है हमारे पास मनी, ठीक है, करेंसी नोट जो है वो इशू करता है। उसके बाद वो क्या करता है, मनी सप्लाई करता है एक जगह से यानी कि दूसरे कंट्रीज के अंदर, फिर उसके बाद क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को मैनेज करता है, यानी हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो करते हैं वो स्टेट बैंक के थ्रू हम मनी जो है वो ट्रांसफर करते हैं, फिर वो क्या करता है, बैंकिंग सिस्टम हमारे मुल्क के अंदर जितना भी है वो स्टेट बैंक के थ्रू है, दूसरे मुख्तलिफ बैंक्स को ये लोन भी देता है ताकि वो मजीद बेहतर बना सके, ठीक है, जितने प्राइवेट बैंक है उनकी बात कर रही हूँ, देन इट प्रोवाइड्स कमर्शियल बैंक्स को भी जो है वो लोन देता है, उसके अलावा क्या करता है, रिलेशन हमारे अंदर क्या है, नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जो है वो इंस्टीट्यूट को जो है वो वर्ल्ड बैंक के साथ जो है वो कनेक्ट भी करता है, उससे हमें चीजें भी लेता है, और फिर बाद में यानी कि उसको पे बैक भी जो है हमारा स्टेट बैंक ही कर रहा होता है। उसके अलावा जितने भी बैंकर्स हैं इन दिस कंट्री इन पाकिस्तान सबको ट्रेनिंग जो है वो कौन देता है, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो ट्रेनिंग भी देता है, एंड देन देर इज अ लॉट ऑफ अदर स्टफ टू, और ये बैंकिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस इसने करा लिया, उसको एस्टेब्लिश करने के लिए लोन भी इसने दे दिया, वर्ल्ड बैंक के साथ कनेक्शन भी इसने, हमने मनी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए वो सब चीजें क्या हमारा स्टेट बैंक जो है वो कर रहा होता है। तो स्टेट बैंक हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन हैंडलिंग पाकिस्तान इकॉनमी, पाकिस्तान की इकॉनमी जो डिपेंड किसके ऊपर करती है, स्टेट बैंक के ऊपर जो है वो करती है। Now you talk about page number 83, हम page number 83 की बात करेंगे, तो इसमें क्या है हमारे पास, economic system of Pakistan. There are main economic system in the world. Pakistan follows जो mixed जो है वो system जो follow करता है, हमारे पास तीन में है और हम क्या करते हैं, हम mix करके follow करते हैं। First हमारे पास क्या है, fiscal sector है, fiscal sector is the one जिसके अंदर जितने भी हमारे जो है वो monetary fiscal sector के अंदर हमारा जितना भी budget बनता है वो उसके through बनता है, ठीक है, जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है वो उसके रिस्पॉन्सिबल है टू रन द फिस्कल सेक्टर। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का मतलब है यानी कि जो फाइनेंस के जो वजीर है वो क्या करेंगे, वो हमारे फिस्कल सेक्टर को रन करेंगे, हमारा बजट बनाना, हमारे रिसोर्सेज को मैनेज करना, टैक्सेस को मैनेज करना, ये सारी चीजें किसकी, एक्सपेंडिचर हर चीज को जो है वो कौन देख रहा होता है, फिस्कल सेक्टर के अंदर जो है देखा जाता है। उसके बाद वी हैव अ मॉनिटरी सेक्टर, मॉनिटरी सेक्टर क्या करता है यानी कि जो है वो निजामिया का इसको बोलते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होता है मनी ट्रांसफर की फ्रॉम मनी मैटर्स जितने भी है फंक्शन के लिए, बैंक्स के बैंक फंक्शनिंग के लिए जितने भी पैसों के जितने भी मसाइल है वो सब कौन हल कर रहा होता है, मॉनिटरी सेक्टर हल कर रहा होता है। फिस्कल सेक्टर क्या होता है, हमारा बजट बनाना, हमारे टैक्सेस को, एक्सपेंडिचर्स को, ठीक है, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो सारे इसके और इसके काम कैसे करना है ये हमारा हैंडल कर रहा होता है। मॉनिटरी क्या कर रहा होता है, रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, मनी मैटर्स के लिए, जितने भी पैसों से रिलेवेंट मसले हैं बैंक्स के अंदर वो सब मॉनिटरी इस सेक्टर कर रहा होता है। एक्सटर्नल सेक्टर क्या कर रहा होता है, हमारी जितनी भी इम्पोर्ट हो रही होती है और जितनी भी एक्सपोर्ट हो रही होती है वो सब जो है वो एक्सटर्नल सेक्टर जो है वो कर रहा होता है। अब वी टॉक अबाउट पाकिस्तान, तो पाकिस्तान क्या है, 43rd लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है इन टर्म्स ऑफ GDP, GDP के लिहाज से, GDP कहते हैं ग्रोस डोमेस्टिक जो है वो
प्रोडक्ट जीडीपी कहते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इसकी सबसे ज्यादा यानी कि जो है वो मजमुई दाखिली पैदावार जिसको आप कह सकते हैं, जीडीपी हमारी जो है सबसे ज्यादा 43 नंबर पे है हम पूरी दुनिया के अंदर मुल्कों में। तो उसकी हमारी जीडीपी जो है स्ट्रॉन्ग किस तरह से कि वी हैव मेड आवर जीडीपी टू 284 बिलियन US डॉलर की जो है वो हमारी ग्रॉस डोमेस्टिक जो है वो प्रोडक्ट जो है वो बनती है। जीडीपी इज अ वे टू मेजर द टोटल वैल्यू ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन द ईयर। इसका मतलब ये होता है कि एक साल के अंदर कितनी जीडीपी का मतलब है एक साल के अंदर कितनी चीजें जो है वो बनी है, ठीक है, और कितनी ज्यादा यानी कि सर्विसेज जो है वो परचेज की है। अब लार्जेस्ट सेक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू आवर इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान इज यू नो सर्विसेज है। अब सर्विसेज में क्या है, द पर्सन हु इज वर्किंग इन अ बैंक इज ऑल्सो गिविंग सर्विसेज टू द कंट्री, द पर्सन हु इज वर्किंग इन अ जो है वो उसके बाद जो है वो बैंक्स के अंदर जो है वो कर रहा है, तो उसके लिए भी है, टेली कम्युनिकेशन के लिए कर रहा है, हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया है, हमारे पास टेक्सटाइल है, ऑल दैट थिंग्स जो है वो कम्स अंडर जीडीपी। तो उसमें क्या कर रहे होते हैं, जीडीपी कर रहे होते हैं, और उसमें एम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि हर वो चीज जो हमारे फायदे के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं या हमारे मुल्क को जो है वो चला रही है वो क्या कर रही होती है, वो एक तरह से सर्विस जो है वो प्रोवाइड कर रही होती है। और इसके लिए जो है वो फॉर क्या होते हैं, हमारे पास एग्रीकल्चर जो है वो मेन हब है हमारी सब चीजों को बनाने के लिए। उसमें क्या है, हमारे पास कॉन्ट्रीब्यूट कितनी करती है, 25.2% लोग ऐसे हैं जिनकी जिंदगी का जो है वो क्या है डिपेंड किसके ऊपर करती है, यानी कि सॉरी 5.2% जो है वो जीडीपी हमारी जो है वो किस पे कंसिस्ट किसके ऊपर करती है, वो हमारी ज़राअत के ऊपर करती है, हमारे एग्रीकल्चर यानी रूरल एरियाज के ऊपर जो है वो डिपेंड करती है। और 55.6% लोग ऐसे हैं जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट किस लिहाज से कर रहे हैं, यानी कि ये इतना कंट्रीब्यूट कर रही है थ्रू यानी कि इंडस्ट्रियल एरियाज है, टेली कम्युनिकेशन है, और भी मशीनरीज है, ठीक है, ये सारी चीजें उसके अंदर जो है वो आती है। और वो कंट्रीब्यूट कितने करती है, यानी कि हमारे पास इंडस्ट्रियल सेक्टर जो सिर्फ इंडस्ट्रीज हैं जो हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कर रही है, 19.2% जो है वो कंट्रीब्यूट कर रही होती है। सो आवर जीडीपी इज मेनली जो है उसके अंदर सबसे ज्यादा हम क्या प्रोवाइड कर रहे हैं पाकिस्तान में, सबसे ज्यादा हम प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज, हमारे जीडीपी में कंट्रीब्यूट कितना करें 55.6%। फिर उसके बाद हमारा रूरल एरियाज आ जाता है जो 25.2%। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर यानी कि 19.2% जो है वो आ जाता है, जिसपे सारी चीजें जो है वो मुनसिब करती है। नाउ यू टॉक अबाउट हाउ जो है वो गवर्नमेंट जो है वो मनी जो है उसको इस्तेमाल कैसे करेगी और उसका करेगी क्या, ठीक है। द फेडरल गवर्नमेंट एंड प्रोविजनल गवर्नमेंट जो है वो आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग स्टेट हॉस्पिटल, जितने भी दुनिया के अंदर तो नहीं कंट्री के अंदर जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी हॉस्पिटल्स हैं, जितने भी इंडस्ट्रीज हैं, वो सारी क्या कर रही है, सेविंग स्कीम्स हैं, लाइब्रेरीज हैं, वेलफेयर हैं, ये सारे जो है वो हम क्या बना रहे होते हैं, गवर्नमेंट जो है इनको बना रही होती है। और हाउ डू दे पे फॉर देयर, वो अपनी चीजों के लिए पे कैसे करते हैं, ऑल इकोनॉमिक रिक्वायर्स डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज टू फंक्शन। इन पाकिस्तान क्या करता है, डोमेस्टिक जो होती है रिसोर्सेज वो क्या कलेक्ट करती है, एफबीआर जो है वो कलेक्ट करता है। एफबीआर का मतलब क्या है, फेडरल ब्यूरो जो है वो, और उसके अंदर वो क्या करेंगे रेवेन्यू का, उसके अंदर वो क्या करेंगे, दुनिया में जितने भी, दुनिया में तो हर जो है बंदा टैक्स पे कर ही रहा है, साथ साथ पाकिस्तान के अंदर जितने भी टैक्स पे होंगे वो एफबीआर के जरिए हो रहे होंगे। और उस रेवेन्यू को हम क्या कर रहे होते हैं, रिक्वायर्ड डोमेस्टिक एंड एक्सटर्नल रिसोर्सेज हमें जितने भी चाहिए होते हैं फंक्शन करने के लिए मुल्क के, उसमें टैक्सेस भी हैं वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं प्रोविजनल और फेडरल यानी कि गवर्नमेंट को। एंड डिस्कस अबाउट जैसे हमने उसके बारे में पहले कहा है, टैक्सेस कंपलसरी होते हैं हर उस इंसान के ऊपर हु हैव अ यू नो लग्जरियस लाइफ एंड हु हैव अ सर्टेन लाइफ, जिसके अंदर इफ द पर्सन इज अर्निंग, इफ द पर्सन हैज अ हाउस, इफ द पर्सन हैज अ बिजनेस, तो उसको क्या करना है, वो उसके ऊपर जो है गवर्नमेंट जो है वो एक टैक्स जो है वो उसके ऊपर बिल्ड कर देगी होल पॉपुलेशन के ऊपर। और उसको क्या करेंगे, वर्कर्स जो है इनकम के बिजनेस प्रॉफिट्स के ऊपर ये टैक्स होता है, और फिर वो एट द एंड हमारी जो सेल प्राइस को भी जो है वो डिपेंड करता है। और उसे मनी क्या करती है, हम रेज करते हैं थ्रू टैक्सेस, टैक्सेस के जरिए हम जो है मनी को बनाते हैं, और उस मनी को बाद में हम इस्तेमाल किसी चीज के लिए करते हैं, चीजों को यानी कि जो है वो बनाने के लिए, अपने फॉरेन लोन्स जो है वो उसको पे करने के लिए, पे बैक करने के लिए जो है वो हम टैक्सेस जो है वो लोगों को लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने वर्ल्ड बैंक से जो है वो लोन ले लिया, तो उसको पे बैक भी तो करना है, वी नीड टू पे बैक दैट लोन, तो उसके लिए व्हाट वी डू इज वी इंप्लीमेंट टैक्सेस ऑन द यू नो कॉमन पीपल, आम लोगों के ऊपर, उनके प्रॉफिट्स के अकॉर्डिंग, उनके सैलरीज के अकॉर्डिंग, उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग हम उनके ऊपर जो है वो टैक्स लगाते हैं, ठीक है, हर चीज के ऊपर टैक्स है। इवन इफ यू आर बाइंग चिप्स पैकेट, तो उसके ऊपर भी जो टैक्स होता है, इफ यू आर डाइनिंग आउट किसी भी रेस्टोरेंट के अंदर डाइनिंग कर, उसके ऊपर भी टैक्स होता है, तो वी आर पेइंग टैक्स। और वो टैक्स किसके लिए इस्तेमाल करता है, ताकि वो हम जो बाहर से हमने जो है चीजें यानी कि लोन लिया था अपने मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, उसको पे बैक करने के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है। तो एक्सटर्नल जो है वो सोर्सेज जो है थ्रू एक्सपोर्टिंग गुड्स ऑफ फॉरेन,
कंट्रीज, फॉरेन कंट्रीज के जो एक्सटर्नल गुड्स जो है उसको हम इस्तेमाल करते हैं, और ओवरसीज पाकिस्तान को रेमिटेंस जो है वो भेजी जाती है, यानी कि बाहर से जो है वो चीजें वो भी इसके जरिए आती है, और हमारे कंट्री के अंदर सारी चीजें जो है वो रन क्या कर रहा होता है, स्टेट बैंक रन कर रहा होता है। और स्टेट बैंक का क्या फायदा है, ये ना सिर्फ ये हमारी जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरीज, उनकी पेंशन, हर वो चीज जो है उसको फोकस कर रहा होता है। देन यू हैव अ फर्स्ट वी टॉक अबाउट, हमने इसमें क्या सिटीजनशिप में इकोनॉमिक्स में क्या टॉपिक था हमारे पास, मनी के बारे में, क्या व्हाट इज मनी, पहले के दौर में लोग कैसे जो है वो चीजें लेते थे, बाद के दौर में क्या हुआ। देन वी टॉक अबाउट इम्पोर्ट एक्सपोर्ट, व्हाट वी यू नो भेज क्या रहे हैं, बाहर से मंगवा क्या रहे हैं। वी टॉक अबाउट द कंट्रीज एंड द करेंसीज। देन वी टॉक अबाउट रोल ऑफ बैंक, इट्स बेनिफिट, स्टेट बैंक पाकिस्तान में क्या है, उसका रोल क्या है, ठीक है। देन वी टॉक अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, हाउ वी यूज मनी टू मेक आवर कंट्री बेटर, एंड ऑल दैट स्टफ कम्स इन इकोनॉमिक्स। सबसे ज्यादा मेन जो है वो ब्रांच है किसी भी मुल्क को बेहतर बनाने के लिए, बिकॉज एवरीथिंग नीड्स मनी टू एस्टैब्लिश देमसेल्व्स, चाहे वो कोई इंस्टीट्यूट है, चाहे वो एक छोटी सी भी चीज है। थर्ड चीज के लिए हमें किस चीज की जरूरत है, हमारे पास अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो हम क्या करेंगे, एक स्ट्रांग मुल्क होगा। सो व्हाट यू नीड टू डू इज, योर होमवर्क फॉर टुडे इज यू नीड टू लर्न यूएनटीज के वर्क पे सारी लर्न करें, क्वेश्चन से यू हैव टू लर्न ऑल एंड राइट इट डाउन एज वेल, और उसके बाद इस तारीख जो है वो करें, एंड देन प्लीज मेक श्योर कि आप इसको जो है वो अच्छे से याद करें, बिकॉज देर आर लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन विच वुड बी बेनिफिशियल व्हेन यू आर गोइंग यू नो फॉर द स्टडीज, आप करेंगे उसके लिए बहुत ज्यादा अहम है ये चीजें। ये दिस इज अ बेसिक पॉइंट, एंड थैंक यू सो मच।